देखने को मिलेगा आपको। मेरा पूरी तरह ये भरोसा है कि मेनपुरी के जो लोग हैं, जो क्षेत्र है, वो अपना मन बना चुके हैं। अब किसी को भी बुलाएं ये अच्छी बात है, आए दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है। मैडम आज संकल्प पत्र जारी करिए, किस तरह से बीजेपी के संकल्प पत्र? अगर आप उनके पुराने संकल्प पत्र निकाल के देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने संकल्प पूरे हुए हैं उनमें से, कितने युवाओं को रोजगार मिला है, हमारे किसान भाइयों की क्या हालत है, हमारी माताएं बहनें कितनी सुरक्षित हैं, हमारे युवा साथी आज किस कश्मकश में है। कुछ वक्ता लोग हैं, अपने विचार व्यक्त करेंगे और सभी लोग हमारे जो अभी 1 अप्रैल को प्रिंसिपल पद पर नियुक्त हुए हैं श्री रामकिशोर प्रेमी साहब, उनका शानदार भाषण सुनने के बाद जाएंगे। अभी साथी लोग भीमराव अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को कौन नहीं जानता, पूरे देश और विदेश में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का नाम सब लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान में भरपूर योगदान किया और उसकी संरचना करी और संविधान के माध्यम से ही हम सब को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हक, न्याय और सम्मान मिला है। तो उनके चरणों को नमन करते हुए मैं आप सबसे ये भी कहूंगी कि बाबा राव भीम अम्बेडकर जी एक संत भी कहीं ना कहीं थे और वो इसलिए मैं संत कहूंगी उन्हें क्योंकि उन्हें पहले से आभास था कि देश में व्यवस्था जो है वह सही नहीं है। देश में कई ऐसे समाज हैं जो बहुत पिछड़े हैं, जो जिनको उनका हक, सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहा है और इसी दृष्टि को मन में रखते हुए उन्होंने संविधान की संरचना दी और कहीं ना कहीं हम सबको आरक्षण देने का भी प्रावधान किया क्योंकि वह जानते थे कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक पंक्ति में आखिरी खड़े हुए इंसान को हक, सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा। मुझे खुशी इस बात की है कि आप सब यहाँ पे आए हैं आज और हम सब उनकी जयंती में आज एकत्रित होकर उनको सम्मान देने के लिए तो आए हैं और साथ में उनके चरणों में नमन करने भी आए हैं। आज का जो वातावरण है